हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस बारिश पे आपके डॉग के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों, आज बारिश हो रही है तो मड एरिया बहुत गीला हो गया है, और जहाँ पर ये पोटी करते थे वहाँ से उनको जो स्मेल मिलती थी जिसके थ्रू ये पोटी करते थे, तो वो चीज़ अब इन लोगों को नहीं मिल रही, जिसके कारण ये कहीं पे भी पोटी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को रेडी होना है। जैसे कि अभी ये आपको रॉकी दिखा रहे हैं, वो देखिए रॉकी सामने आप दिखा रहे, ये रॉकी ये देखिए, ये भी रोड में ही पोटी कर दिया है ना। तो ये कहीं पे भी पोटी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इनकी स्मेलिंग एरिया जो है वो गीला हो चुका है और वहाँ से स्मेल इनकी जा चुकी है। तो आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत होगी कि आप लीज से जब ले जाएंगे या फिर अपने साथ जब ले जाएंगे अपने डॉग को, तो वो कहीं पे भी पोटी कर सकता है या फिर बहुत देर लगा सकता है पोटी के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, और थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, हमारा सिम्बा रॉकी से मिलने जा रहा है, और ये तो है ही थोड़ा सा फैमिलियर टाइप का, सोशल टाइप का, ये हर डॉग से मिलता है। और मैं फाइनली इसको बुला लिया हूँ, अभी मेरे पास आ गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको बताऊँ कि बरसात में अपने डॉग की ध्यान कैसे रखें। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको कि वो पोटी कर ले, और थोड़ा सा टाइम लगाएंगे पोटी करने में, तो आप उनके साथ थोड़ा सा दूसरी एरिया में भी जा सकते हैं, या फिर उनको छोड़ दें तो वो खुद ही पोटी कर ले इधर उधर देख के। अब जैसे हमारा सिम्बा है, उसको तो मैं कभी लीज से घुमाता नहीं हूँ, तो वो अपनी ही हिसाब से एरिया चूज़ कर लेता है कि आज मुझे यहाँ करना है वहाँ करना है। चलिए, वो अपना एरिया चूज़ कर रहा है, जब तक हम दूसरे बात में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे बरसात हो रही है तो नमी की वजह से, और कुछ तो बारिश का पानी भी लग जाता है उनके स्किन में, फर में, जैसे मैं आप दिखाऊंगा आपको कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसके स्किन में पानी पड़ता जा रहा है, तो इनके फर जो होते हैं गीले हो जाते हैं दोस्तों। तो उस गीलेपन की वजह से इनको फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन, और स्किन से स्मेल आने लगती है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और या कह सकते हैं बचाने के लिए, आप लोगों को एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। देखिए, उनके लिए एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, वो इंट्रामस्कुलर या सबकटेनियस में होगा, ये आप देख लीजिए, इस तरह का इंजेक्शन है। आज हम मार्केट में जाके इसको परचेस करेंगे, अभी तो हमने गूगल से निकाल के हमने ला दिया है। तो इसको हम 1 ml इसको देंगे, और ये 3 महीने तक काम करेगा, जब तक बरसात है। वैसे 4 महीने बरसात रहती है, बट 3 से 4 महीने काम कर जाता है। तो इसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और स्किन में ईचिंग और रेडनेस आ जाती है, ईचिंग कर करके रेडनेस आ जाती है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभार तो वुंड भी केयर हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें इनको आइवरमेक्टिन देना है। अब देखिए, सिम्बा आइवरमेक्टिन को होते होते आप सिम्बा पोटी भी कर लिया है। अब पोटी करने के बाद दोस्तों, जैसे इनके पंजों में, इनके पाँव में मिट्टी लग जाती है, तो मिट्टी को साफ़ कर लें घर जाके। तो साफ़ करने के लिए अपन जैसे सटक का फोर्स भी आता है, पानी का फोर्स, तो उससे भी अपन साफ़ कर लें। उससे क्या है, मड भी निकल जाती है, इस समय कोरोना का इन्फेक्शन भी चल रहा है, तो हाइजीन रहना है, तो उस चीज़ के लिए अपन को ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही सब चीज़ें आपको बताना चाहता था कि कैसे आप लोग केयर कर सकते हैं बरसात में। खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एज यूजल जो खाना अपन देते थे वो दे सकते हैं, पर इस समय चिकन और अंडे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है। तो हम लोग अब सिम्बा के अंडे अभी बीच में बंद कर दिए थे, तो अब हम अंडे भी आज मंगवाएंगे इसके, तो अंडे भी देंगे और एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन भी लेने जाएंगे। तो आप भी अपनी शॉप जा सकते हैं, और शॉप में जाके अंडे और आइवरमेक्टिन ले लें, कि अब हमें थोड़ा सा गर्म चीज़ें भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सिम्बा को ले जाएंगे, और आज हम आपको दिखाएंगे कि सिम्बा का पट्टा कैसा है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये है सिम्बा का पट्टा, इससे हम बांध देते हैं इसको जब भी कभी नहलाते हैं तो सिम्बा को हमने बांध दिया है, और हम इसके बाद पानी का फोर्स मारेंगे। तो आज मेरे साथ कोई है नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, तो मुझे दोनों साथ एक ही चीज़ एक साथ हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पानी, और इसके एक साइड से मैं रिकॉर्डिंग करता रहूँगा, और दूसरे साइड से मैं आपको दिखाता रहूँगा। जैसे ही इसके पैरों में हम पानी मारते हैं, ये अपने पैर खुद ही उठा लेता है,
इसकी आदत पड़ गई है, और आदत ऐसे पड़ी है कि हम लोग हवा जो पानी का फोर्स होता है इसके डायरेक्ट पाम में मारते हैं तो ये अपने ऑटोमेटिकली उठा लेता है। अब धीमे धीमे इसकी आदत भी पड़ गई है तो ये खुद ही उठवा के साफ़ करवा लेता है। ये एक इसमें अच्छी चीज़ है, और ये सब चीज़ें कोई सिखाने से नहीं, आप थोड़ा सा साइंटिफिक जाएंगे तो जब फोर्स मारेंगे इसके पंजों में तो ऑटोमेटिक वो उठा देता है पंजों को। जब ये चीज़ हो जाए तो एक एरिया बनाई है, हम लोग तो काफ़ी मोटा हम लोग का गद्दा है इसका थिम्बा का, तो वो गद्दा हम लोग सीढ़ी पे रख देंगे और वो सीढ़ी में जाके बैठ जाएगा, जिसके कारण इसका पानी जो है वो सूख जाएगा। ये देखिए पानी इसका सूख, यहाँ पास हमने रख दिया, पानी सूख जाएगा, अब काफ़ी देर तक बैठा रहेगा। इसको मैं बैठने के लिए बोलूँगा, थिम्बा बैठ जाओ, तो ये बैठ जाएगा वहाँ पर। अब थिम्बा बैठो, थिम्बा प्रॉपर बैठ गया है और इसके नीचे जो पानी वानी लगा था वो सूख गया है। बस दोस्तों केवल इतना ध्यान रखना है, खाने में अंडे और चिकन बढ़ा दें। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई दिक्कत हो या फिर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही, और हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।